मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज प्रदेश के मौसम को लेकर आपको बड़ी अपडेट दूंगा, क्योंकि पिछले दो से लेकर तीन दिनों के दौरान बारिश का दौर काफी धीमा पड़ गया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक हल्का मौसमी सिस्टम अभी भी एक्टिव है, लेकिन यह सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि बारिश दे सके। और आप देख रहे होंगे आजकल जो बादल आते हैं वह इसी सिस्टम की वजह से आते हैं। यह सिस्टम काफी कमजोर है, इसकी वजह से बादल बनते हैं, कुछ जगह बूंदाबांदी भी होती है, लेकिन मूसलाधार बारिश अभी राजस्थान में कहीं पर भी नहीं हो रही है। और मौसम विभाग के अनुसार कम से कम अगले एक सप्ताह है मौसम इसी प्रकार रहे और आने वाले दो तीन दिनों में तापमान 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं, जिससे लोगों को गर्मी के तेवर फिर से झेलने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिनों तक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लोकल वेदर सिस्टम की वजह से हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन राज्य के बाकी भागों में मौसम लगभग शुष्क ही बना रह सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक बार फिर जो है पश्चिमी हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे नमी भी कम हो गई है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी फिलहाल कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं है। और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिन तक तेज बरसात होने के राजस्थान में कोई भी आसार नहीं। हालांकि छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर इलाकों का मौसम है वो शुष्क रहेगा। और आने वाले दिनों में कहीं कहीं पर अब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। और देखिए मानसून अभी राजस्थान से विदा नहीं हुआ है, ऐसे में यह भी माना जा रहा है सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह है या तीसरे सप्ताह में एक और नया वेदर सिस्टम बनते ही राजस्थान में बारिश का अगला दौर शुरू हो सकता है। आसान भाषा में समझाऊं तो इसे बिगाड़ा भी कह सकते हैं। अक्सर जब किसानों की फसलें पक जाती है और कटाई शुरू हो जाती है, तब अचानक बारिश के तेज झोंके आते हैं, जैसे पिछली बार भी आए थे, तो इसे बिगाड़ा कहते हैं। यानी कि फिर किसानों को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं किए कराए पर पानी न फिर जाए। हालांकि फिलहाल 7-8 दिनों तक मौसम है वो साफ और शुष्क रहेगा, और जैसे ही कोई नया वेदर सिस्टम बनेगा तो मैं आपको 3-4 दिन पहले ही अपडेट कर दूंगा, ताकि आप भी अपनी फसलों को बचाने के लिए हमारे स्तर पर बचाने की कोशिश कर सके। क्योंकि जो है 8-10 दिनों के बाद है वो कई फसलें पक जाएगी। हालांकि फसलों की कटाई अभी शुरू नहीं होगी, इसलिए नुकसान की आशंका फिलहाल तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में कटाई शुरू हो जाएगी फसलों की, वहां जो है नुकसान की भी संभावना बनी रहती है। हालांकि जब भी कोई नया वेदर सिस्टम आता है तो उससे पहले मैं आपको 3-4 दिन पहले ही अपडेट कर दूंगा, और इसीलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप राजस्थान की पल पल की बड़ी खबरों से अपडेट रहे। धन्यवाद।